हाय यार, मैं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं दाबरो पोल्ट्री। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गर्मी के टाइम में पानी का मैनेजमेंट कैसा करें। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पे अपना एक लाइक कर दें और वीडियो को जो है शुरू से लेके लास्ट तक पूरा का पूरा देखते रहे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में पानी का क्या महत्व होता है वो तो आप सभी लोग जानते हो कि हम लोगों को इतना ज़्यादा जरूरत होती है, तो बर्ड को कितनी ज़्यादा जरूरत होगी। तो आप लोगों को बता दूं कि गर्मियों में जो बर्ड का पानी का जो कंजम्पशन होता है वो जो है 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। यानी कि अगर बर्ड 1 ग्राम दाना खाती है तो वो कम से कम 3 से 4 ml पानी पीता है। यानी कि जो नॉर्मल टाइम में वो 1 ग्राम दाना खा के 2 ml पानी पीता, वही गर्मी के टाइम में वो 1 ग्राम दाना खा के 3 से 4 ml जो है पानी पीता है। अब ये बात कर लेते हैं ये किस कंडीशन में, कब वो बर्ड जो है 3 से 4 ml पानी पीना स्टार्ट करता है। जब जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो बर्ड जो है अपने पानी का जो कंजम्पशन होता है वो बढ़ा देता है। तो ये बात कर लेते हैं कि बर्ड को जो पानी देना है वो कैसा पानी देना है कि बर्ड पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिए और उसको मतलब ऐसा गर्मी ना लगे, पानी पीते समय उसको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको अगर कोई गर्म पानी दे दे गर्मी के टाइम में तो पानी पीना कितना मुश्किल होगा ये तो आप सभी लोग जानते हो। तो उसी तरीके से बर्ड भी अगर उसे गर्मी के टाइम में ज़्यादा क्या कहते हैं टेम्परेचर वाला पानी दे दिया जाएगा तो उसे प्रॉब्लम होगी। तो पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के पानी का टेम्परेचर आप अपने बर्ड को देते हो तो बर्ड उस पानी को काफ़ी अच्छे से पिएगा और उसकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं क्योंकि होता क्या है कि गर्मियों के समय में जो वाटर लेवल होता है वो बहुत ही नीचे चला जाता है तो पानी की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो जो भी पानी आपको अपने बर्ड को देना है उसे अच्छी तरीके से सैनिटाइज करके देना है। सैनिटाइजेस के लिए आप कोई सैनिटाइजर यूज कर सकते हो कंपनी वाला या फिर जो है ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हो। लेकिन अभी इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप सेव जैसे कि कोई सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, मान लो आप सेफ गार्ड यूज कर रहे हो, एक्वा गार्ड यूज कर रहे हो, तो ये आपको 1 ml 10 लीटर पानी में आप दे सकते हो। ये 1 ml जो है इसका 10 लीटर पानी को साफ कर सकता है। लेकिन अगर आप उसे ब्लीचिंग पाउडर दे रहे हो, ब्लीचिंग पाउडर अपने पानी में डाल के दे रहे हो, तो 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, सिर्फ 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका 1000 लीटर पानी साफ कर देगा। लेकिन 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 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर आपका 1000 लीटर पानी साफ कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि जो ब्लीचिंग पाउडर आप लेंगे उसके अंदर 33% उसके अंदर क्लोरीन होना चाहिए। जो क्लोरीन की मात्रा है अगर ब्लीचिंग पाउडर के अंदर 33% रहती है तो वो ब्लीचिंग पाउडर आपका 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर आपका 1000 लीटर पानी साफ कर सकता है। और बता दूं कि आने वाले टाइम में, अभी तो ये मैं वाटर मैनेजमेंट के बारे में वीडियो बना रहा हूँ कि गर्मी में वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है, आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं फीड मैनेजमेंट और सेड मैनेजमेंट की भी बारे में बात करूंगा कि गर्मियों में फीड मैनेजमेंट और सेड मैनेजमेंट कैसे करना है। तो अगर ये वीडियो आप लोग अगर मेरा यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर ये वीडियो आप मेरा फेसबुक पे देख रहे हो तो जो है पेज को लाइक करो और वीडियो को जो है लाइक जरूर करना दोनों ही जगह पे। ओके ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ड्रिंकर, जो ड्रिंकर की संख्या है वो आपको बढ़ा देना, यानी कि कितना बढ़ाना है बता। ये तो समझ में आ गया कि गर्मी है, गर्मी में पानी ज़्यादा लगता है तो ड्रिंकर की संख्या बढ़ाना है, लेकिन कितना बढ़ाना है। तो आपको ड्रिंकर की संख्या कम से कम 25% बढ़ाना है। एक मोटा मोटी मान लेते हैं कि आप अपने बर्ड को जो है जो आपका बड़ा फार्म है आपने 100 ड्रिंकर लगाए हो अपने बर्ड के लिए, तो 100 ड्रिंकर का 25% यानी कि 25 ड्रिंकर, यानी कि आपको टोटल कम से कम 125 ड्रिंकर अपने फार्म में लगाना है ताकि आपका सारा कुछ पानी का मैनेजमेंट जो है वो ठीक से चलता रहे। कोशिश करिए जो आपके पानी की टंकी है उसे फार्म के अंदर रखिए। अगर आपके पानी की टंकी फार्म के अंदर नहीं भी है तो भी जो है आप अपने फार्म की जो टंकी है उसको गनी बैग से अच्छे से कवर कर सकते हो ताकि उस पर जो है डायरेक्ट जो है धूप की जो रोशनी है वो डायरेक्ट ना पड़े और पानी का टंकी का जो टेम्परेचर है वो एकदम से क्या कहते हैं बूम ना हो जाए। तो उसके लिए आप उसे गनी बैग से अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर जो पानी के टंकी का जो पाइपलाइन है, आपका टंकी मान लो बाहर है, उससे आने वाला जो पाइपलाइन होगा अगर वो भी धूप में है तो उसे भी अच्छे से गनी बैग से आपको ढक देना है। अब मैं बात कर लूँ अगर ड्रिंकर, आप चाहे अपने बर्ड को ड्रिंकर से पानी पिला रहे हो चाहे आप अपने बर्ड को निप्पल सिस्टम से पानी पिला रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आपको बर्ड के हाइट के हिसाब से उसका क्या कहते हैं मतलब ड्रिंकर और निप्पल की हाइट को एडजस्ट करना है। और सबसे लास्ट में बात कर लूँ कि आप जो भी पानी आप अपने बर्ड को दोगे गर्म टाइम में, जैसे कि 10 से 5 बजे के टाइम में आप जो भी पानी आप अपने बर्ड को दोगे उसमें 1 से 2 ग्राम जो है पर लीटर, 1 से 2 ग्राम पर लीटर आपको जो है या तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट देना है
या तो आपको उसके अंदर दही देना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो, छोटे बच्चे हैं तो पहले टाइम में तो आप उनको इलेक्ट्रोलाइट गुड़ या फिर कुछ इस तरीके से दे दीजिए, लेकिन उनको भी जो है नेक्स्ट डे से जो है इलेक्ट्रोलाइट आपको देना ही है। क्योंकि अगर बर्ड ज़्यादा दूर से आया है, ज़्यादा दूर से ट्रांसपोर्टेशन करके आया है, तो उसके अच्छे और ठंडे पानी का बिल्कुल ख्याल रखिए, क्योंकि वो दूर से आया है, पहले ही से उसके अंदर क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने उसे सही पानी नहीं दिया तो वो और डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और फिर जो है आपको कुछ ही क्या होते हैं समय के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा पहले ही हफ्ते में। तो अगर बर्ड ज़्यादा दूर से आ रहा है तो उसे ठंडा और जो है एक अच्छा पानी, या तो इलेक्ट्रोलाइट वाला दे दीजिए, गुड़ वाला दे दीजिए, कैसा भी पानी दीजिए, जो ऐसा पानी दीजिए जिसको वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पी सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करो। तो आने वाले टाइम में फीड मैनेजमेंट और सेड मैनेजमेंट के बारे में वीडियो लाने वाला हूँ, तो ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं हूँ सैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द